हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे 100 नंबर आपके 113 112 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 113 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। डॉक्टर सनम को चेक के बताती है कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे खुल गए थे। आरफ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सनम खाना खिला के उसे रूम में रेस्ट करने के लिए रहने देते हैं। आरफ ऑफिस रहता है। आज उसका खिला हुआ चेहरा देख के सारे एम्प्लॉय भी हैरान थे, क्योंकि आज उनका हिटलर बॉस ना केवल मुस्कुरा रहा था, बल्कि छोटी सी गलती में भी किसी को भी फायर कर देने वाला भी आज सभी एम्प्लॉय के साथ नरमी से पेश आ रहा था। लगता है आरफ भी प्रैक्टिस कर रहा है अपने अपने सीने में दिल धड़काने की परमिशन देने के लिए, वरना उसको हालातों ने ऐसा बना दिया था, या कहें कि उसे मजबूर कर दिया था। अनंत सिया के साथ लंदन चला गया था, क्योंकि लंदन की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। आरव अनंत को कॉल करके बता देता है। आरव की बात सुन के अनंत तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। वो सबके सामने अपने पास खड़ी सिया को किस कर लेता है। वहीं उसकी इस हरकत से सिया का कहीं ना कहीं मरने का मन कर रहा था। वो शर्म के मारे किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। वो अनंत को घूरते हुए वहाँ चली जाती है। वही इन सबसे बेखबर अपनी खुशी में अनंत सारे एम्प्लॉय को डबल कर दे रहा है, सबको बोनस डबल दे देता है। अब अनंत को कौन ही बताए कि उसने अपनी जान को ही नाराज कर दिया है। लेकिन देखते हैं सिया क्या रिएक्शन होता है जब उसे गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि उसने गुस्से में अनंत से बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर अर्नव अपने दोस्तों के पास चला गया, क्योंकि आज अक्षिता ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था और अर्नव को भी जाने का मन नहीं था तो भी नहीं किया। अक्षिता अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आर्यन अपने ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसकी काफ़ी ज़रूरी मीटिंग थी। अक्षिता की आंखों में आंसू बह जा रहे थे, क्योंकि उसके पीरियड आ गए थे और उसे काफ़ी पेन हो रहा था। उसके साथ हमेशा ही सही होता था। वो अपने बेड पर लेटी हुई रोते जा रही थी कि तभी रूम का डोर ओपन होता है और आर्यन अंदर आता है। वो अपनी मीटिंग की फाइल भी घर पे भूल गया था ले जाने के लिए, जो लेने आया था। आर्यन अंदर आता है, अक्षिता की ओर देखता है। अक्षिता उसको देख के बेड पर बैठ जाती है और उसका लाल चेहरा हुआ देखता उसके पास जाके पूछता है, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा, मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। आर्यन काफ़ी टेंशन में हो जाता है अक्षिता के आंसू को देख के। आर्यन उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोलता है, जान मुझे बताओ तो आखिर तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आर्यन उसके जवाब का इंतजार करता है। अक्षिता अपनी नज़र नीचे कर लेती है और धीरे से बोलती है, मुझे पेन हो रहा है, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। और इतना बोल के अक्षिता चुप हो गई। तो मुझे बताया क्यों नहीं, आर्यन बोलता है, अच्छा अब अच्छे बच्चे की तरह ये पेड़ पेड़ ले जाओ और अच्छा अब अच्छे बच्चे की तरह ये पेड़ ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। अक्षिता के आंसू पोंछ के आर्यन उसे बेड पर ले जाता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। अपने असिस्टेंट कॉल करके मीटिंग कैंसिल करने को बोल देता है और बिना उसका जवाब से नहीं फ़ोन करके देता है। आर्यन थोड़ी देर के बाद वापस रूम में आता है। वो अक्षिता के पास जाके उसे उठाता है और बेड पे अपनी गोद में बैठा लेता है। आर्यन अपने साथ गर्म पानी का सूप और हल्दी वाला दूध और बहुत सारी चॉकलेट लेके आया था। वो अक्षिता को अपने हाथों से सूप पिलाता है, लेकिन जब दूध पीने की बारी आती तो अक्षिता अपना मुंह बदलती। आर्यन उसके कान में धीरे से बोलता है, जान अच्छे बच्चे की तरह ये दूध पी लो, फिनिश कर दो, नहीं तो फिर अपने तरीके से तुम्हें दूध पिलाऊंगा और मुझे नहीं लगता इस हालत में तो मुझे एक भी सेकंड झेल पाओगी। अक्षिता उसकी बात सुन के जल्दी से दूध का गिलास लेके ख़त्म कर देती है। आर्यन उसकी हरकतें मुस्कुराने से रोक नहीं पाता, उसे गाल पे किस करता हुआ बोलता है, गुड गर्ल, और उसके बाद उसे चॉकलेट खाने देता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से लेटा देता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। इस बार अपने साथ हॉट वाटर बैग लेके आया था और अक्षिता को ब्लैंकेट से कवर करके उसे बोलता है, बेबी तुम खुद करोगी या मैं करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, लेकिन तुम अपना अपना देख लेना। आर्यन की बात सुन के अक्षिता उसे घूर के देखती है और उसे हॉट वाटर बैग ले लेती है। अक्षिता को थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, क्योंकि वो रात को भी ठीक से सो नहीं पाई थी। वहीं आर्यन उसके पास बैठ के सहलाता रहता है और अपना काम भी करता रहता है। दोपहर से रात हो जाती है। अक्षिता की जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी। वो अपने पास बैठे आर्यन को देखती है और उसमें ही खो जाती है। तभी आर्यन की आवाज़ उसे होश में आती है।
जो बोल रहा था, वीवी माना कि मैं हैंडसम हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे ऐसे नज़र लगाओगी। अचिता उसकी बात सुन के झेप जाती है और उठने लगती है। आर्यन उसकी उठने में हेल्प करता है, उससे पूछता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अगर अभी भी पेन हो रहा है तो मुझे बता सकती हो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अचिता नाम से ले देती है, तुम्हारी तो आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी ना, जिसके लिए तुम रात को भी काम कर रहे थे, फिर उसका क्या हुआ? अचिता अचानक से पूछती है। मेरी वाइफ से बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है, आर्यन जवाब देता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन ले जाके बाहर चला जाता है अचिता के सोचने के छोड़ के। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 113 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 114 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 114 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। आज आर्यन जल्दी ही ऑफिस से आ गया था घर। अर्नब भी अपने दोस्तों से मिलकर जल्दी ही वापस आ गया। अचिता की तो तबीयत खराब होने की वजह से पहले ही घर में थी और आर्यन भी अपना काम घर से ही कर रहा था। अचिता की वजह से घर के बाकी सारे मेंबर के घर में ही थे। अर्नब घर आता है तो देखता है कि सब लोग सनम को घर घेरे बैठे हैं। ये देख के उसका मूड उतर जाता है क्योंकि वो आज सनम के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहता था, उसे खूब सारी बातें करना चाहता था, लेकिन ये शायद अब पॉसिबल ही नहीं था और इसीलिए वो जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। अपना सारा काम जल्दी से के उसने आज एक मीटिंग को भी ब्रेक नहीं किया, उसने आज एक मिनट भी ब्रेक नहीं किया था, लेकिन अब उसके सारे अरमानों पे सब ने मिल के पानी फेर दिया था। आरव सीधा अपने रूम में गया और वहाँ जाके सनम को मैसेज करता है, लेकिन आज उसकी शायद किस्मत ही ख़राब थी, सनम ने अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ दिया था। अब मन मार के रह जाता है और जल्दी से फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो हॉल में वापस आता है तो देखता है कि अचिता और अर्णव किसी बात भड़क रहे हैं, उन्होंने पूरा घर सर पे उठा रखा है। उनके झगड़े को देख के सब अपना सर पीट लेते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि दोनों किस कैसे शांत कर रहे हैं। आर सबके पास आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है और किस बात पे लड़ रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो तुम जो तुम पूरा घर सर पे उठा के रखे हो। आरव की बात सुन के अर्णव बोलता है भाई मैं लड़ता, ये चुड़ैल मुझसे झगड़ रही है। हाँ तुम दूध पूजे से धुले हुए, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ मैं ये जानकारी के मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम डब से नहीं नहाते दूध से नहीं तुम जब से नहाते हो दूध से नहीं, तो ये बकवास बंद करो। अचिता गुस्से से आर्यन को घूरते बोलती है, उसकी बात सुन के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही अन्ना उसकी बात सुन के चिढ़ जाता है और बोलता है वही अन्ना उसकी बात सुन के चिढ़ जाता है और बोलता है तुम तो रोज़मराई से नहाती हो ना, लेकिन फिर भी वही चुड़ैल तुम्हारी इतनी मजार कि तुमने मुझे चुड़ैल बोला। तुमने खुद को कभी अपने तो देखा है, सूर्फ नका का प्रिंट हो तुम पूरे के पूरे समझे, अंधेरे में कोई देख लेना तुम्हें, तुम वहीं देख के बेहोश हो जाए। चिलगोजे जैसी कैसे वो शक्ल है तुम्हारी और ये बियर्ड जैसी ऐसी लगती है जैसे किसी कुत्ते की पूछ, अच्छी तरह गुस्से से बोली जा रही थी। वहीं अन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। अर्णव अचिता की ओर बढ़ते हुए बोलता है मैं तो सिर्फ एक ही प्रिंट हूँ, तू ही सुपनखा, आज तो तब सब तेरे नाक कान ही काटेंगे। वहीं अर्णव वहीं आरव को उनकी बकवास में गुस्सा आ रहा था, वह कहाँ वो से कुछ वक्त गुजारना चाहता था और ये दोनों अपनी महाभारत लेके बैठे हुए थे। चुप, दोनों चुप, एकदम चुप, खबरदार जो किसी ने एक भी शब्द बोला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आरव गुस्से से फूलते हुए बोलता है। अर्णव और अचिता दोनों ही गुस्से में उसके डर जाते हैं और सनम के अब अगल बगल बैठ जाते हैं। किस बात पे तुम लोग लड़ रहे हैं, किस बात पे तुमने ये वर्ल्ड वॉर शुरू कर रखा था, कोई बताएगा मुझे? आरव दोनों से घूरते हुए पूछता है। जल्दी बोलो भैया, मैं तो बस इतना ही बोला था कि भाभी को बेटी होगी और ये बोल रहा था कि आप दोनों का बेटा होगा, अचिता बोलती है। तो भैया मैं तो बस इतना ही बोला था कि ये आपकी लाडी और भाभी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो ये आपको रख लेगी और मैं भाभी को, तो आप इसको बेबी गर्ल दे देना और भाभी मुझे बॉय दे देगी, तो आप इसकी साइड हो और भाभी मेरी साइड पर अब इसको
इसको इस बंटवारे में भी झोल नजर आ रहा है। आप ही बताओ हमने क्या गलत बोला है, तुम दोनों ये हम दोनों बांट कर बंटवारा कर रहे हो, आरब बोलता है। उसकी बात सुनकर दोनों हाँ में बच्चों की तरह अपना सर हिला देते हैं, वहीं बाकी सर अपना सिर पीट लेते हैं। यहीं पर कहानी क्या एपिसोड नंबर आपका 114 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड 114 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी जो का ऐसा अंश था भाग जो कुछ समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।